सरकार जो चाहती है मीडिया वही दिखाई दे, ऐसा ही है सर, हकीकत ना तो यही है। सर ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय से हम लोग सक्रियता होना चाहिए ना सर, सारा खर्चा युवाओं की थोड़ी ना डाल देंगे, हम लोग वोट भी देंगे, भीख मांगे नौकरी के लिए तब भी नहीं मिलेगा। मैं पहली बार इस बात को पाकिस्तान बॉर्डर से बाहर करके आती है, तो मीडिया उसको लगातार 30 दिनों तक कवरेज किया, मान लो उधर भारत का लगातार पिछले दोनों पांच छह सीजन 20 दिनों से फास्टिंग पर कार्य कर रहे, उस पर कोई मीडिया ध्यान नहीं दे रही है। आर्टिकल 37 दीवार की मांग की जा रही है, जबकि आपका 2019 में जब सरकार अपने मैनिफेस्टो में लाई थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा तो उसको विशेष अधिकार दिया जाएगा, वही बात अभी सरकार मुंह कर रही है, उस पर भी मीडिया का कोई ध्यान नहीं रहा। बात मणिपुर का लगातार कुकी और मेथी समुदाय के बीच भी हो रहा है, मीडिया उसको कहीं पर कवरेज नहीं करे, लेकिन आवश्यक जो भी हो कोई धर्म से रिलेटेड हो मीडिया उसको बार बार फोकस करे, तो इस पर आपका क्या विचार है सर? बस नहीं जानना चाहता। देखिए मीडिया का मतलब क्या, जो ये सब जो चीजें दिखाई जाती हैं आज के समय में, देखिए आज से 10 से 15 साल पहले केवल 3-4 बड़े अखबार हुआ करते थे और एक आध कोई चैनल जो हुआ करते थे, अब क्या हो गया है, अब मीडिया का जो वर्जन हो गया है वो यूट्यूबर हो गए हैं, कोई चैनल खोल देता है, कोई कुछ कर देता है, और ऐसे जो आपने कहा कि जो पाकिस्तान से आती है और ये रहती है, किस अखबार में पढ़े हैं आप, एक लाइन बताइए ना, किस अखबार में पढ़े हैं, सिंगल कॉलम की खबर बता दीजिए। लगभग सभी अखबारों में, हिंदी माध्यम के सभी अखबारों में थे, अखबारों में वो कहीं से नहीं है सर, जो सभी अखबारों में है, हिंदी माध्यम में, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, सब में थे, हेडलाइंस में है, ऊपर पेज में है, जिस समय वो आई उस समय खबर छपी। अरे लगातार 15 दिन तक उसको कवरेज किया गया है, कैसे नहीं किया गया है सर, आज ये हो गया कल ये, रोज तो दिखाया जाता था, पूरा सोशल मीडिया में वायरल थी वो, सेम टाइम पे मणिपुर जल रहा था, किसी ने नहीं दिखाया, क्या बात कर रहे हैं सर आप, हम लोग अंधे हैं, कांख में पट्टी बांध लें, कैसे बात कर रहे हैं आप, नहीं नहीं। अच्छा एक बात और करिए, स्मृति ईरानी और अधीर रंजन वाला वीडियो देखे हैं आप, सुधीर चौधरी वाला, उसमें सारा मीडिया को क्या सरकार को घेरना नहीं चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए था, खुले आम ऑन स्क्रीन आप लोग को धमकाया जा रहा है, क्या करते हैं आप लोग, पैसा पे क्या बिका नहीं है मीडिया, सामने से आपको बोल दिया कि अगर सुधीर चौधरी जेल में चले जाए तो क्या होगा, बोला कि नहीं, बोली थी कि नहीं, सरकार का दबाव पे मीडिया रहती है क्या? नहीं दिखता तो है सर, दिखता क्या भाई, पूरा दिखता क्या पूछ रहे हो तुम, दिखता तो है सर, मीडिया लगता है कि पूरा दबाव में रहता है सरकार, दबाव नहीं होता है, वो पैसा का दबाव है, वो पता चलता है सर, हम लोग अच्छे समय से जान रहे हैं, हर जगह है सर, वही तो है, अफसर भ्रष्टाचार है, मीडिया भ्रष्टाचार है, सरकार भ्रष्टाचार है, लोग वही नहीं दिखाते हैं, एक सवाल है कि मीडिया ही वो था जो किसान को आतंकवादी बोला था, ठीक है, वही मीडिया ही था जो किसान को बोला था आतंकवादी है जो हिंसा फैला रहा, MSP का टाइम जो वहां पे हुआ था दिल्ली बॉर्डर में और बहुत सारा बॉर्डर में जहां पे किसान पंजाब से हरियाणा से यूपी से जो वहां पे सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही मीडिया ही है ना, अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो क्या हाल होगा, तो मीडिया सर, मीडिया इज अ थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीडिया का इधर से जो हो रहा है उसको दिखाओ, जनता को जैसा हो रहा है वैसा दिखाओ, वही नहीं हो रहा, दिक्कत इसी में है क्या, मीडिया से यह हमारा बात आगे तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम अपना सारा सवाल इनसे शेयर कर रहे हैं, अभी जाके आप पता है क्या छापिएगा, डोरंडा महाविद्यालय के छात्रों ने राजनीति और मतदान की खूब प्रशंसा की, यही तो सही है, जो बोले वो छापिएगा ही नहीं आप, अगर है तो विवाद के लिए हम लोग को बैठाइए, बात करेंगे, बैठाइए झारखंड में, देख रहे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ,
लेकिन हमको क्या मतदान करना चाहते हैं, शर्त भी होना चाहिए ना, सरकार का भी एक रवैया हम लोग के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। हम लोग अच्छे से बात करेंगे बट सुनने वाला कोई हो, आप तो जाकर उल्टा छाप दीजिएगा वहाँ। किस चीज का अभी तो करो, अपने अनुभव के कर रहे हैं सर, 15 साल से भारत का राजनीति देख रहे हैं। सर ऐसे ही होता है, बहुत देखे हैं, हर स्कूल में ऐसे आता था, इंटर में भी ऐसा ही हुआ। सरकार का विरोध किए बोलते हैं, सरकार का प्रशंसा की गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जस्ट मैं कॉलेज से घर वापस आई हुई हूँ और सुबह मैं घर का सारा काम करके गई थी, तो अभी तो काम वगैरह कुछ नहीं है। ये ड्रेस वगैरह धोना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 दिन पहन चुकी हूँ। और गैस आज हमारे कॉलेज में हो रहा था मतदान जागरूकता अभियान। आप लोग देखे ना, प्रभात खबर के सीनियर आए हुए थे, क्या बोलते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, और हमारे कॉलेज के जो छात्र छात्राएं वही लोग के बीच में मतलब कन्वर्सेशन चल रहा था मतदान जागरूकता अभियान को लेकर के, युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस दैट करके बहुत कुछ लंबा चौड़ा भाषण चल रहा था। और कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत हारा हाई हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि वो मीडिया से आए हुए थे, तो मीडिया से तो हर कोई इतना सवाल कर देता है, जो मन में आता है वो पूछे जाता है। ऐसे में राजनीति से कोसों दूर रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतदान नहीं दूंगी या नहीं देती हूँ, नहीं देती हूँ ही बोलूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं मतदान नहीं दी हूँ। इस बार मेरा फर्स्ट मतदान होगा, क्योंकि मैं वोटर आईडी नहीं बनवाई थी इसलिए मैं मतदान नहीं देती थी, बन चुका है तो इस बार से मैं वोट जरूर दूंगी। मुझे राजनीति पसंद नहीं है इसलिए मैं दूर रहती हूँ। तो हम लोग ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, बाकी स्टूडेंट लोग तो कर रहे थे। गाइस ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा डेवलप होता ही नहीं है गाइस, जैसे कि हमारे गांव को ही देख लो, आई मीन मेरा मायका को ही देख लीजिए, पानी पीने का सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, इसके अलावा विद्यालय भी बहुत दूर जाना पड़ता है, मेडिकल भी प्रॉब्लम होता है, सरकारी अस्पताल है वहाँ कोई चीज का सुविधा ही नहीं है ढंग का, ज्यादा कुछ इलाज के लिए डायरेक्ट आपको रांची रेफर कर देगा तो सदर रेफर कर देगा, इस टाइप से हो जाता है। तो क्या फायदा इस तरह का मेडिकल या इस तरह का अस्पताल होने का, क्या मतलब है कि वहाँ आप जा रहे हैं आपको डायरेक्ट रेफर कर दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे जैसे रिम्स है या सदर, तो कम से कम कुछ तो सुविधा होना चाहिए कि डायरेक्ट इंसान को रेफर ही ना किया जाए, वहाँ नर्स डॉक्टर पता नहीं बैठते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा गवर्नमेंट अस्पताल तो नहीं जाती हूँ, डायरेक्ट प्राइवेट से ही पैसा रहे ना रहे किधर से उधर पैंचे करके प्राइवेट ही जाती हूँ। बड़ा बीमारी हुआ तभी हम लोग सरकारी जाते हैं, जब पैसा वगैरह नहीं हो रहा होता है एकदम ही नहीं तभी। चुनाव के दौरान ही केवल बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये मतलब इस क्षेत्र में ऐसे तरक्की करूंगा, रोजगार दूंगा, ये वो दिस दैट, इतना आपको मतलब वोट के लिए मतलब वोट मिले इसके लिए इतना वो लोग अपील करते हैं, इतना रिक्वेस्ट करते हैं, और गाँव के लोग उसमें फंस जाते हैं कि शायद कर देंगे टाइप से, और वोट दे देते हैं, जीत जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, कुछ कल्याण नहीं होता है गांव का, ये मैं देख चुकी हूँ, इसलिए उतना मुझे राजनीति पसंद नहीं है। पर क्या करेंगे, अब ऐसा हम लोग का देश ही है जहाँ हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, चुनेंगे अपना जो कर्तव्य है उसको तो निभाएंगे, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं इसीलिए अपना कर्तव्य तो हम लोग निभाएंगे, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो वो लोग अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाते हैं, अपना जो कर्तव्य रहता है उसको निष्ठापूर्वक नहीं निभाते हैं, मुझे यही चीज़ नहीं पसंद आता है। और हम लोग आज मैडम बोल रही थी कि तुम लोग युवा हो, तुम लोग कर सकती हो, ये वो प्रोटेस्ट कर सकती हो, ये रोड में प्रदर्शन करने पर उतरा तो कहीं तो पानी छिड़क देता है, कहीं तो लाठी चार्ज कर देता है, कहीं तो थाना में ही डाल दे या जेल में डाल दे, तो कौन करेगा, मैं इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ, हाथ जूता भी खाना पड़ता है पुलिसों से, सब मिले हुए ही रहते हैं गाइस, सरकार
का चमचा ही बोल सकते हैं, पर इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग को अपना कर्तव्य तो निभाना ही है। तो आप लोग भी वोट दीजिएगा, जिनका 18 साल हो गया है और वोटर आईडी है वो लोग प्लीज आप लोग वोट दीजिएगा और ऐसे नेता को चुनिए आप लोगों के क्षेत्र को तरक्की की ओर ले जाए, जो चीज कमी है वो चीज को पूरा करे, प्लस सबसे जरूरी चीज है रोजगार, युवाओं को रोजगार दे, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में बेरोजगार हैं। कि आप लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सभी जा रही हूँ, कपड़ों वगैरह चेंज करती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। आज ना मैं स्कूटी से आ रही थी कॉलेज से, तब मेरा स्कूटी डगमगा रहा था क्योंकि इतना जोर से हवा आ रहा था कि बैलेंस ही गड़बड़ा जा रहा था। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आज 5 बजे आए हुए थे, ब्लॉग बना रहे थे तो मैं इसको रोक रही थी कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो रुकिए करके, तो ये ना ऐसे करके एकदम अजीब टाइप से धक्का दिए तो मुझे गुस्सा लगा और फिर मैं ऐसे ये हाथ से पीठ में कस के मारी, फिर ये बेड में जाके सो गए चुपचाप। गुस्सा से बेड में सो गए, खीरा काटे तो खीरा भी नहीं खा रहे थे, फिर भी खा रहे खीरा, ये पंखा में मैं लगने वाली थी। हाँ, जोर से मारे बेहोश हो गए और आप जो हमको पंखा में ढकेल रहे थे मारने का इरादा है क्या? छोटा सा पंखा से तो करंट लगने वाला पंखा तैयार किए है, छोटा सा पंखा बोलता है। क्या खाना बनाएंगे, क्या तीन बनाएंगे बताइए? पानी भात है, थोड़ा सा नहीं ढेर है, देखिए तो। सब्जी क्या बनाया वो बताइए, सब्जी कुछ हरा सब्जी तो है नहीं। कफेस कितना काला हो गया है, देखो मैं गोरी हो गई हूँ आपसे, और गाँव जाती तो मैं डार्क हो जाती, कितना काला दिख रहा चेहरा, देख लो कैमरे में पता है। क्या लगाते हैं? कुछ क्रीम, वो तो लोशन है, बॉडी लोशन है थोड़ी ना, डीप मॉइस्चराइजर, तो इसको ठंडा में लगाने वाला चीज है, उसको हम गर्मी में थोड़ी लगाते हैं, हल्का हल्का बस ऐसे 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 करते हैं, हम कुछ क्रीम यूज नहीं करते हैं। क्या सब्जी बनाए बताइए जल्दी? सब्जी नहीं लाए ना, एक ही है ना, अंडा ऐसे ही ना भूंजिए ना, अंडा को फोड़ करके बनाएंगे ठीक है, स्क्रम्बल, उसके बाद हल्का सा मसाला डालेंगे। नोट भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ और मैं MB डेटा तीनों मोबाइल का ख़त्म कर चुकी हूँ, एक में तो रिचार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल का भी ख़त्म कर ली हूँ, मेरे हस्बैंड का मोबाइल का भी पूरा डाटा ख़त्म कर ली हूँ, अभी हम दोनों पागल हो जाएंगे। हाँ बड़ा रिचार्ज करेंगे, पैसा का जोर में तो 1 GB रिचार्ज करेंगे। बिस्तर बन चुका है और मच्छरदानी फटा हुआ था तो मैं मच्छरदानी सिलाई कर ली हूँ, और यहाँ ये क्यों है बताओ? वहाँ पर मच्छरदानी लगाने के लिए, एक बार आप लोग देखे थे मधुमक्खियों का आतंक था, इसलिए वहाँ हम लोग ये मच्छरदानी लगा देंगे सोच रहे हैं, जो कि पुराना मच्छरदानी को काटे हुए हैं मेरे हस्बैंड, और अभी यही कारीगर बना रहे हैं, पता नहीं कैसे बनाएं क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैं जा रही हूँ अंडा का झोल बनाने के लिए, और ये प्याज और मिर्चा इधर इतना सारा टमाटर डाली हूँ क्योंकि उसमें मसाला ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, खट्टा ना हो, बस हस्बैंड खट्टा पसंद नहीं है। तो ये देखिए 2 ही एग है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे बॉयल करने, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा इसलिए मैं फोड़ करके ऐसे स्क्रम्बल करके बनाऊंगी। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे हस्बैंड जी बना दिए हैं, और जब रूम खाली करेंगे तो ये सबको उखाड़ देंगे गाइस, बहुत ज़्यादा दीवार वो नुकसान नहीं किए हैं। और इधर मैं चावल चढ़ा चुकी हूँ जो कि आधा आधा डबक रहा है क्योंकि इधर का आँच कम है, और इसमें मैं बना रही हूँ एग, ना मैं अभी खाने के लिए निकाली हूँ टेस्ट के लिए, नमक पकड़ा है कि नहीं। गाइस ये ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।